मना कर दी को देखते हुए। सीधा सीधा सवाल है जी, कल तक जो भोजन मीडिया की बात करता था आज भोजन मीडिया को लात मार के गया है। और मैं सवाल करता हूँ पूरी भोजन मीडिया से, यहाँ भोजन मीडिया का है या भोजन समाज को भी लात मार के गया? नहीं, ये जिस तरह की रणनीति इन लोगों ने अपनाई है इसको आपको समझना होगा, पूरे देश को समझना होगा जी। प्लान इन लोगों का है, आप बताइए। इस तारीख को जंतर मंतर पर जो बड़ा खेल होने जा रहा है, आप यहाँ प्रेस क्लब में सभी लोग मौजूद थे जिस वक्त बागमारे जी बोल रहे थे, वो तब तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आई थी वो आराम से खड़ी, लेकिन जब चंद्रशेखर बोलता है तो लाइव चलता है, वो ANI हो चाहे आज तक हो चाहे जी न्यूज हो, वो लाइव चलता है। तो ये बड़ा सवाल है जी, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और ये बड़ा खेल खेला जा रहा है इस देश के अंदर। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभी आपने देखा कि जिस बहुजन मीडिया ने चंद्रशेखर को एक रोड पे से, एक जमीनी खेत पे से उठा के इसे इतना बड़ा किया, और उसके बाद बड़ा होने के बाद में आज जो सोशल मीडिया और बहुजन मीडिया को ये कहता है कि मुझे आज इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी 21 तारीख को लेके अभी PC हो रही थी तो वहाँ बागमारे जी जो गुरु जी हैं वो मंदिर को लेकर जो चर्चा कर रहे थे, उस समय मैंने खुद ने बोला कि चंद्रशेखर जी आप एक क्वेश्चन लेके जाइए, लेकिन कहने लगे मैं नीचे हूँ। जब नीचे सोशल मीडिया आया और बहुजन मीडिया आया तो इन्होंने कहा कि आपकी ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर जी, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको इस सोशल मीडिया और बहुजन मीडिया की ज़रूरत नहीं है तो जिस बहुजन मीडिया ने तुम्हें यहाँ तक लाया है आप किसी भी गोदी में जाके खेल ले हो, आप जो मैन स्ट्रीम मीडिया की गोदी में जाके खेल ले हो आप खेलते रहो, लेकिन समाज के साथ में गद्दारी नहीं चलेगी। समाज को भटकाना बंद करो, अन्यथा ये जो बहुजन मीडिया है तुम्हें ऐसा भटकाएगा कि तुम्हें रास्ता भी नहीं मिलेगा। बहुजन मीडिया के पीछे फिर आप दोबारा भी उसके पीछे पीछे दौड़ेगी क्या? नहीं, बहुजन मीडिया नहीं दौड़ेगी। बहुजन मीडिया को, सभी बहुजन मीडिया को ये दिखाना है कि अभी जिस तरीके से अभी कह के गया है कि भाई शुक्रिया मुझे जरूरत नहीं है, तो अब आपको बहुजन मीडिया को ये दिखाना है कि अगर इसको जरूरत नहीं है तो आपको भी नहीं मिला। क्या क्या लग रहा है? हमारे साथ तेजेंद्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, महानुभव है। क्या लग रहा है बहुजन मीडिया से कहीं ना कहीं गलती हुई है, इस वजह से ये दूर हटा है, या फिर इसको कुछ लोगों द्वारा बहकाया गया? गलती कुछ नहीं हुई है। ये लोग अगर इनसे कोई सवाल करेगा और अगर इनसे क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा तो ये इसी तरह का बिहेवियर। क्रॉस क्वेश्चन में वो सच्चाई जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह के मैं आपको बता दूं कि कुछ आरोप ऐसे भी लगे कि इनकी क्या सांठगांठ हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब ये सभा कर रहे थे वहां, तो एक वायरल हुई है ऑडियो, आज तक इनका खुलकर उस पर बयान नहीं आना। इसका मतलब इनकी कुछ मिलीभगत थी कांग्रेस से, ये कांग्रेस से वो सारा पैक था सारा मामला, और ये लगातार वहां पर जो रैलियां कर रहे थे और ये इकट्ठा कर रहे थे, जो वहां पर समाज को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनका नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कांग्रेस कराना चाह रही थी। ऐसा ही एक ये पूरा जो इन्होंने एक माहौल तैयार कर दिया है, और इसका माहौल जो तैयार कर दिया उसका मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि ये कांग्रेस के द्वारा एक बना बनाया एक ऐसा चमकीला नेता तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर ये कहा जा सके कि एक दलित नेता, एक दलित हीरो आपका हमारे पास है, उससे दो कार्ड खेले जा सकते हैं। एक मुस्लिमों को की बात कर रहे हैं आप? कौन से दलित नेता की बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर को, जो कांग्रेस जो है वो चंद्रशेखर को इस तरह से पेश करना चाह रही है, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम जो है वो मुस्लिमों को ये देखना है कि कांग्रेस के पास किसका वोट है। तो ये सबसे बड़ी बात होने वाला है 21 तारीख को, वो संतों महंतों का होने वाला है, तो इसमें नेताओं का देखो ये सवाल हमने किया वहां पर कि जब संत महंत आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो अपनी बातों में ये कह रहे थे कि भाई तमाम प्रदेशों में बंद किए गए हैं, तमाम प्रदेशों में आंदोलन हो रहा है, उन प्रदेशों में आज फिर क्या ऐसी वजह रही कि कल जब 19 तारीख का जब प्रोग्राम था तो इनमें से कोई वहां नजर नहीं आया। और हमने एक सवाल और किया कि जब समिति थी तो समिति को एक महीने से ज्यादा का टाइम मिला नोटिस पीरियड में कहां थी वो समिति जब मंदिर तोड़वा दिया गया? तो इनकी कुछ ना कुछ मिली भगत है, और ये जो पूरा आंदोलन है दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश। संतों की जो बात थी, संतों ने अभी कहा है कि अभी हम परमिशन के लिए जा रहे हैं, परमिशन नहीं मिली, और चंद्रशेखर उस बात को लेके एक हुआ बना के कि भाई 21 तारीख को हम एक इतना बड़ा करने जा रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, तो ये आप देख सकते हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कारण रहा बहुजन मीडिया को चंद्रशेखर ने इंटरव्यू नहीं दिया? वो ये कि गोदी में, दूसरे की गोदी में खेलना। अभी आपने देखा ऊपर जब हम कवरेज कर रहे हैं, गोदी की बात कर रहे हैं आप, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब ये
न्यूज था, टुडे था, अब उनको अभी एक दलित दस्तक है जो कि मतलब इस तरीके का हवा बना के और लोगों को देखिए सीधा सीधा मैं अपने उन जो हमारे जो जितने भी यूट्यूब चैनल है उनके सबके जितने भी व्यूवर हैं दर्शक हैं उनके लिए मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? अगर आपको नहीं है तो आप जितने भी चैनल हैं उन पर कमेंट्स करके बता दें तो हम इन सब चैनलों को बंद कर देंगे और आप मेन स्ट्रीम पर भरोसा कर लीजिए, फिर हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा चंद्रशेखर को लगता है कि हमारी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो उसकी आवाज को बुलंद करती है, बहुजन समाज की पूरी हितेशी बन चुकी है। कल तक अच्छी बात करिए आपने, आज जितने बहुजनों के आंदोलन होते हैं बहुत सारी रिक्वेस्ट डाली जाती हैं बड़ी स्ट्रीम मीडिया को बुलाने के लिए, लेकिन ये स्ट्रीम मीडिया सिर्फ एक इशारे पे चंद्रशेखर के कैसे आ गई? यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि कौन सी वो डील हो चुकी है इनके बीच में जो केवल मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रशेखर के प्रोग्राम को कवर करने के लिए आती है। मैं पिछले प्रोग्राम की बात बता देता हूँ, 15 मार्च को जब इनका प्रोग्राम हुआ था वहां पर उतनी भीड़ नहीं थी जितनी वहां पर मीडिया थी। सर तो आप ये अंदाजा एक बात रोक सके, कल आपका प्रदर्शन था दिल्ली में बहुजनों का प्रदर्शन था 19 का, तो क्या वहां पर ये वाली मीडिया आई थी जो मेन स्ट्रीम? हां ये देखिए ये सबसे बड़ा, कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है 19 तारीख को और दिल्ली में उसका व्यापक असर था जो दिल्ली बंद की कॉल थी, 4-5000 पुलिस वाले लगाए गए थे इसमें, चारों तरफ बंद था और पूरी तरह से जाम हो गई थी दिल्ली, लेकिन उसके बावजूद भी किसी पेपर में किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में वो एक छोटा सा स्लॉट तक नहीं बना पाए, मतलब खबर का एक छोटा सा स्लॉट तक नहीं दे पाए। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि मेनस्ट्रीम मीडिया क्या किसकी हितेशी है। अभी एक क्वेश्चन किया गया था कि 21 तारीख को जो समाज का क्वेश्चन है और 19 तारीख को भी अपना समाज का ही प्रोटेस्ट था, तो चंद्रशेखर जी उसमें शामिल क्यों नहीं हुए? देखिए ये संतों का प्रोग्राम है, अब ये तय कर लीजिए, जो संतों का प्रोग्राम है लोगों को वहाँ वो देखना चाहिए, कुछ लोगों की राजनीति इसके साथ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे किनारा कर लेना चाहिए। इस सवाल